वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्लैकेस्ट के टैग के जरिए या फिर ब्लैकेस्ट की प्लेलिस्ट के जरिए भी आप इससे पहले के और इसके बाद के आने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डोना ट्राय को टेरी और उसके बच्चे के साथ, जहाँ पर वो उससे कह रहा था, डेथ तो सबको आनी है सिवाय तुम्हारे, डेथ के सब लोग एब्सोल्यूट गोल है सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुमने कई बार डेथ को चकमा देकर वापस लाइफ में ले आई, लेकिन इसकी सजा तुम्हारे बजाय हमें मिली, इस सब की कीमत चुकानी पड़ी हमें। और तभी हम देखते हैं कि टेरी को उसका बेटा जो कि ब्लैक लैंटर्न बन चुका था वो काट लेता है, और आगे हम उन्हें देखते हैं टाइटन टावर में। इधर डोना ट्राय जो कि चकमी थी उससे कैसी और बात कहते हैं, अगर तुम ठीक हो तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टेरी और उसका बच्चा डोना ट्राय को पुकारते हुए आते हैं, जिस पर कैसी और बाट पूछते हैं क्या ये वही है, जिस पर डोना ट्राय उसे बताती है नहीं ये वो नहीं है, ये सिर्फ उनके कंकाल है। दूसरी तरफ टाइटन टावर के बाहर स्टारफायर और साइबॉर्ग दोनों ही अभी भी कंट्रोल में थे, जहाँ पर घर से टारा कहती है, तुम यही तो चाहते थे कि हम दोनों हो, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों है ना, तुम हमेशा तब खुश रहते हो जब तुम एक पपी डॉग बनते हो। लेकिन गुस्से में बीस्ट बॉय उससे कहता है, नहीं अब मैं डॉग नहीं हूँ, और एक जायंट डायनासोर बनकर वो उन दोनों पर हमला करता है, और इसी वजह से स्टारफायर और साइबॉर्ग उसकी टेलीपैथी से आज़ाद हो जाते हैं। और बीस्ट बॉय उनसे कहता है, तुम दोनों के जाने के बाद हालात कुछ अच्छे नहीं थे। और ये देखते ही साइबॉर्ग स्टारफायर और बीस्ट बॉय सभी लोग ब्लैक लैंटर्न पर हमला करने लगते हैं, जहाँ पर गार्थ से साइबॉर्ग कहता है, गार्थ तुम भी अब उनमें से एक बन चुके हो, इस पर वो कहता है, हाँ तुम्हें मुझे देखकर कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबल फील नहीं हो रहा क्या। लेकिन साइबॉर्ग उसकी बात को अनदेखा करते हुए उस पर कंटिन्यूस अटैक कर रहा था। यहाँ पर दूसरी तरफ स्टारफायर एक ब्लैक लैंटर्न से लड़ रही थी, वही दूसरी तरफ टारा अभी भी गार के पीछे पड़ी थी, यहाँ पर गार उससे बचने के लिए अलग अलग एनिमल फॉर्म्स ले रहा था, लेकिन टारा अपनी अर्थ कंट्रोलिंग पावर का इस्तेमाल करके हमेशा ही उसे पकड़ लेती थी, और आखिरकार उसे कहती है, तुम ये रोक क्यों नहीं देते, तुम्हें पता है कि तुम जीत नहीं पाओगे, जिस पर साइबॉर्ग उससे कहता है, इसकी बात मत सुनना गार, तुम मेरी बात सुनो, तुम इसे जीत सकते हो। और तभी टारा उससे कहती है, तुम इसे इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो, तुम हमेशा से यही चाहते थे, तुम मुझे पाना चाहते थे। और वो उसकी बातों में बह के रहा था कि तभी टाइटन टावर को चीरते हुए डोना ट्राय अपने सुपर हीरो अंदाज में टेरी के साथ ऊपर आती है। यहाँ पर किड फ्लैश टारा और गार दोनों को अलग कर देता है, और वंडर गर्ल वहाँ पर ब्लैक लैंटर्न से लड़ने लगती है, जहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न उससे कहती है, डोना ट्राय की फिक्र मत करो क्योंकि वो एक अमेजोन है, वो खुद का ख्याल रख सकती है लेकिन तुम नहीं, तुम किसी बीस से नहीं लड़ सकती। यहाँ पर टेरी उससे कहता है, डोना तुम्हें याद नहीं कि हमने शादी के दिन क्या वादा किया था, जिस पर डोना गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम ना ही मेरे हस्बैंड हो और ना ही उसके कंकाल, तुम किसी काबिल नहीं हो, और जिस वादे की तुम बात कर रहे हो वो मैं कब की भूल चुकी हूँ। और इतना कहते ही वो ब्लैक लैंटर्न टेरी के चेस्ट के आर पार अपना हाथ डालते हुए कहती है, वो टेरी मर चुका है जो मैं जानती थी। और आगे वो अपने बच्चे को पकड़ते हुए कहती है, जो कि अब ब्लैक लैंटर्न यानी कि जॉम्बी बन चुका था, वो कहती है, सब लोग ध्यान दो, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो, हमारे सामने जो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते थे, लेकिन ये वो लोग नहीं है, हम उन्हें खो चुके हैं, और ये सिर्फ उनके कंकाल है, सिर्फ एम्प्टी शेल्स, तो फिर हमें उनके साथ वही करना है जो कि हम बाकी बैड गाइज के साथ करते हैं, तो याद रखना कि ये बिल्कुल भी वो नहीं है। और इतना कहते हुए वो अपने बच्चे को मार देती है। और इतना सुनते ही गार एनिमल फॉर्म लेकर टारा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ी कंफ्यूज हो या फिर कंट्रोल्ड हो या फिर तुमने कोई ड्रग लिया हुआ है। और वो उसी के साथ अलग अलग एनिमल फॉर्म लेकर टारा को पूरी तरह से जख्मी कर रहा था। इस पर टारा कह रही थी, सच में मैं वही हूँ, मैं टारा ही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे। इस पर बीस्ट बॉय उसे कहता है, नहीं तुम वो हो ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो कैसी थी, तुम फेक हो, तुम उसकी कॉपी हो। इस पर टारा उसे कहती है, नहीं तुम समझ क्यों नहीं रहे, मैं भले ही चेंज हो चुकी हूँ
लेकिन फिर भी मैं वही हूँ और मुझे पता है तुम्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमेशा से मुझे से प्यार करते थे। और इतना सुनते ही वो तारा को बीच में से चीर देता है। दूसरी तरफ गार्थ अपने पावर्स का इस्तेमाल करके किड फ्लैश पर अटैक कर रहा था और तभी वहां पर डब आ जाती है जो कि हेल्प मांगने के लिए टाइटंस के पास आई थी। लेकिन वो आते ही एक्वालड पर हमला करती है और कहती है, मैं यहाँ पर हेल्प के लिए आई थी लेकिन लगता है अब मैं ही हूँ जो इन लोगों को बचा सकती है। और उसे देखते ही टाइटंस के अंदर एक जोश की लहर दौड़ जाती है। लेकिन तभी हॉक यानी के हैंक हॉल और होली ग्रेंजर दोनों ही डव और साइबॉर्ग पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वंडर गर्ल को पकड़कर अपनी टेलीपैथिक पावर का इस्तेमाल करके एक ब्लैक लैंटर्न उसे अजीब अजीब मैनिपुलेशन दिखा रही थी। लेकिन डोना ट्राई वहां आकर उसका सर पकड़कर उसे मारते हुए कहती है, उसके सिर से बाहर निकलो। लेकिन वो देखती है टेरी और उसका बच्चा जो कि अब फिर से हील होकर वापस आ रहे थे। उन्हें देखते हुए वो कहती है वो फिर से वापस आ रहे हैं। इस पर डव उसे समझाती है कि वो रुकने नहीं वाले। और वहां पर हॉक यानी कि होली ग्रेंजर आते हुए कहती है, हाँ हम कभी नहीं रुकेंगे और ये वॉर कभी खत्म नहीं होगी। और वो डव पर अटैक करती है और कहती है, तुम अभी जो फील कर रही हो वो पीस नहीं है, पीस सिर्फ एक जोक है, सिर्फ और सिर्फ एक छलावा। मुझे पता है कि तुम अंदर कुछ ना कुछ फील कर रहे हो सिस्टर, लेकिन तुम उसे दिखा नहीं रही। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसका इमोशनल स्पेक्ट्रम अभी भी किसी के पकड़ में नहीं आ रहा था। और तभी वो उसे हाथ लगाने जाती है और कहती है, तो वो इमोशन हम बाहर निकालते हैं। और जैसे ही वो उसे हाथ लगाती है उसे एक जोरदार शॉक लगता है और इसी के साथ वो पूरी तरह से बर्न होने लगती है और दर्द के मारे चिल्लाते हुए वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो देखते ही सारे ब्लैक लैंटर्न सभी टाइटंस को छोड़कर डव की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर वंडर गर्ल पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, वो डव की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। इस पर स्टारफायर समझाती है क्योंकि अब असली मुसीबत डव है ना कि हम। और वहां पर सभी ब्लैक लैंटर्न्स डव की तरफ बढ़ रहे थे उसे मारने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करते हैं उसमें से कोई भी नहीं बच पाता और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ वहां पर सभी लोग मर जाते हैं। यहाँ पर डव बेहोश हो चुकी थी और वो असली डव से मिलने जाती है। यहाँ पर वो उसे बताता है, तुम्हें पता है कि वो होली नहीं है और ना ही वो हैंक है, लेकिन तुम फिर भी उस पर भरोसा करना, उसकी चिंता करना नहीं छोड़ सकती और यही तुम्हें बचाएगा। हम उनकी तरह नहीं है, गिव अप मत करना और उन्हें इसे बाहर निकालने की कोशिश भी मत छोड़ना। और वो होश में आती ही सबसे पहले पूछती है कि आखिर क्या हुआ। इस पर डोना ट्राई बताती है कि हमने उनकी तरफ सब कुछ फेंका, हमने उन्हें सब तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की लेकिन फिर भी हम नाकाम रहे। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया जो वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गए, उनमें से कुछ भाग गए। इस पर डव कहती है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। लेकिन उसी के साथ होली भी चली गई। और तभी बार्ट आकर उनसे कहता है कि जब मैंने बेरे से बात की तब पता चला कि वो भी हमारी ही तरह घोस्ट हीरो से लड़ रहे है, वो हीरो जो कि मर चुके थे। दूसरी तरफ साइबॉर्ग गार को समझाने जाता है कि तुम जिस लड़की के पीछे थे वो लड़की ही गलत थी, तुमने अभी जिसके साथ लड़ाई की वो तो बिल्कुल भी सही नहीं थी। इस पर गार उसे कहता है, मैं जब उसके साथ था तब मुझे पता था कि उसके अंदर अभी भी एक अच्छा इंसान है, लेकिन जिस क्रिएचर से मैं लड़ रहा था उसकी बात ना करना ही बेहतर है। दूसरी तरफ डोना ट्रॉय को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो कह रही थी, हमें डव को फ्रंट लाइन पर रखना चाहिए। लेकिन वंडर गर्ल उससे कहती है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, वो चल भी नहीं सकती। जिस पर डोना ट्रॉय बताती है कि तुम्हें मेरे पास ही रहना चाहिए क्योंकि उनमें से एक क्रिएचर ने मुझे काट लिया है और मैं वो पावर अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ, तो अगर मैं उनके जैसे बन गई तो तुम ही हो जो मुझे खत्म कर सकती है। और वो जो कह रही थी वो सच भी था क्योंकि तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोगों के इमोशनल स्पेक्ट्रम देख पा रही थी ब्लैक लैंटर्न्स की तरह। और वो कहती है, टाइटन्स स्ट्रांग बनो और मुझे भी बनने दो क्योंकि अगर हम यहाँ पर हार गए तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, और अगर मैं उनकी जैसे बन भी गई तो मुझे मारने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ। धन्यवाद और जय हिंद।